हेलो हेलो। हाँ मैम। जी। हाँ अभी मैं बात करूँ मैम, फ्री है मैम? हाँ हाँ बोलिए। अब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, उसमें हर जी एक कम्युनिटी का रहने में ही वो नाम क्या दिए, भारत जोड़ो यात्रा। सिर्फ जी एक कम्युनिटी के रहते तो वो यात्रा का नाम भारत जोड़ो नहीं देते थे। जी वैसा आज ये फैरोज खान साहब वो आरसी में गए तो उनके ऊपर बे अनपढ़ गवारा, जिनको ना सिग्नेचर करने आता, ना एक चार अल्फाज बोलने आते, ना बड़े ना बड़ों के बीच में उठ को ही, ना बैठ को ही, ना एच आर क्लास पढ़ को ही। अब उन सभी क्या बोलती हैं, कहीं को गए आरसी में, ये सभी इस्लाम में नहीं है। अब हमें है ही तो कौन सी कंट्री में, हिंदुस्तान में हर एक मजहब को लेकर चले तो वी आर हिंदुस्तानी। जी अब हमें उठा को हमें दूसरी कंट्रीज का फॉलो करे तो नहीं, या तो हमें देखिए तालीम। भाई, इसमें इसमें मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अवाम को जो है ना, मजहब के नाम पे लीडर को नहीं चुनना चाहिए। अवाम को जो है, लीडर को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए। और मेरा जो काम है ना, वो अवाम के लिए है। मैं अल्लाह ताला की मुलाजिम हूँ, अल्लाह ताला की लोगों की खिदमत के लिए हूँ। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, परेशान हो, उसकी कोई तकलीफ हो, मेरा बेशक हमेशा यही रहता है कि मैं उसकी मदद करूँ, उसकी तकलीफ को दूर करूँ। बेशक मैम, मेरा ये काम नहीं है कि मजहब के नाम पे सियासत की रोटियां सेकना। वो अपने पेट के लिए कुछ लोग करते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। जी, वो पेट के लिए करते हैं, जो चारों वो को लेके अपनी चलता है। अपनी मर्जी है, कौन क्या करे, वो अपनी मर्जी है। इंसानियत से सबसे बढ़कर चीज है ह्यूमैनिटी इज बेस्ट इन अवर कंट्री। इंसानियत से पढ़कर कोई नहीं है, सबकी सबकी बॉडी में एक ही ब्लड है रेड। इन्हें अब इस्लाम में फाइव प्लेयर से रोजा नमाज जकात हज फितरा, ये अब जैसे ही हिंदुस्तान में भी कहीं कहीं कई भाषाएं, सब मिलने से सब वोट देने से ही एक एमएलए बनता है। एक एमएलए बनने के लिए मिनिमम 8,000 या 9,000 वोट होना चाहिए। ये कम्युनिटी के पूरे मुस्लिम वोट देने से एक एमएलए नहीं बनता। हर एक कम्युनिटी वाला सामने आको बड़को वोट डालने से ही जीता। को कल उन्होंने बुलाए तो जी, भी गणेश फेस्टिवल को भी जाना, कोई पोंगल को भी जाना, क्रिसमस को वो भी जाना, देखिए, हर वो जगह हर जाना। किसी की अपनी अपनी मर्जी है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं, आपकी मर्जी है आप मेरे पास आओ, आपकी मर्जी है आप कहीं और जाओ। और आज देखिए, राहुल गांधी जी अपना ऐशो आराम छोड़ के निकले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हिंदू को मुसलमान से जोड़ने के लिए, नफरत को मिटाने के लिए। ये जो नफरत भरी सोच है, उसको मिटाने के लिए निकले हैं, भारत तो क्या नाम दिए जोड़ने वो निकले यात्रा हैं। का, भारत भारत? जोड़ो यात्रा, भारत तो उसमें को सभी धर्म यूनाइट क्या गया करो, था? एकजुट हो जाओ। अब फेमस होने के वास्ते क्या करती है अनपढ़ गवारा, ये 1400 को सभी फोन कर को उनको बदनाम कर को सोशल मीडिया में वायरल कर। मैं एक ही जगह बात वही है बोल रहा था ना, आवाम से, कैरेक्टर आप करे तो राजलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। ढीला। अब कंप्लीट मुझे ये कर डाली तो मैं अब बेंगलुरु का, अब जी मैं सवाल करे तो अफसर का कैरेक्टर ढीला, उन्हें अनपढ़ गवार गो वाला क्या क्या की बोलती इसमें जी, इससे क्या कोई ये नहीं होता, जबकि मेरे सवालों का जवाब उनके पास नहीं रहता तो मैं क्या जी करूं। अब स्कूल में ये किस मतलब कह रही थी मैम? नहीं, अलग अलग मजहब के रहते, चाहे हिंदू रहते, जैन रहते, बुद्धिस्ट रहते, मुस्लिम रहते, क्रिश्चियन रहते। वही से ही सियासत भी है। देखिए, हिंदुस्तान एक चमन है, उसमें अनगिनत फूल है। क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बुद्ध है, जैन है, पारसी है, हिंदू हरेक है, धर्म सब में है। राहुल गांधी जी उन सबको जोड़ने निकले हैं। बेशक। वो भी कितने दिन हुआ निकल के, 7 तारीख से निकले ना, मोर सात देन 40 डेज तारीख से हो गया निकले। शायद, नहीं मोर नहीं देन 40 डेज नहीं हुए भाई। आई थिंक अभी कम भी हो जी सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते सेवन, हाँ यही 50 के आसपास होंगे। हैं। अब दूसरे को नहीं तभी ऐसा कर रही है, नहीं कर रही है। आप
दूसरे कौन से भी कर रही है, दूसरे कौन से भी लीडर से ऐसा निकले? नहीं 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 निकले ना, नहीं निकलते। अब क्या बोलती है, अब ये मैसेज में ये अब ये मैसेज में पब्लिक में दिया तो क्या बोलती है, कांग्रेस का दलाल में भाई, कांग्रेस का दलाल। अब तो और एक क्या बोलती है, पैसे ले लिया भाई, ले लिया। अब क्या बोले तो भी उनकी अम्मा नहीं मरी, बोलना पैसा चार जनिया के चार। हर किसी को हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक हर किसी को आजादी है, आजादी जो बोलना है वो बोलो, जो मजहब इख्तियार करना है, वी हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सब ये चीज मैं बीच में नहीं लाना चाहता था, फिर भी मैं ला रहा हूँ। अब इसलिए पॉलिटिकल वाले बहुत लाती है क्या जी? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोली, जो मुल्क में रह रही वो मुल्क को मोहब्बत करो। अब हमें हिंदुस्तान को छोड़ दाल को हमें क्या पाकिस्तान से मोहब्बत करने होता है? नहीं होता है, मामूली नहीं होता है ना, विदा नहीं दिए जी। अब उन्होंने हमारे देश के वास्ते क्या भला कर सकती है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सोच बदलना है हर चीज। राशिद साहब इज ए गुड पर्सन, हर एक इश्यू में आते हैं। जब उनकी बेटी का ये हुआ तो दूसरे दिन फौरन मस्जिद के इश्यू में आए थे वो। ऐसा देखिए, कांग्रेस कभी मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगी। बीजेपी का काम है ये नफरत फैलाना, हिंदू को मुस्लिम से भिड़ाना, भारत को तोड़ना, हिंदुस्तान में सिर्फ ऐसे दो वोट मांगना। दो पार्टी है मैम, मैं खुला बोलता हूँ क्योंकि मैं जब मैं बात करता हूँ मैं ओपन माइंडेड। सिर्फ दो ही लोग हैं सियासत के नाम पे वोट मांगते हैं, एक अमीन पार्टी एक बीजेपी जी। मैं डरने वाला मैं ऐसे नहीं हूँ, खुला बोलता हूँ, क्योंकि इनके स्पीच मैं देखा हूँ, मुझे इतना तो समझ में आया है। मैं तो अनएजुकेटेड नहीं हूँ जी। तो मैं ये बिना जाने ऐसा इनो हमारे सोच के हैंगर को सब कुछ जान रहे हैं। इनो इसे गले देती, इनो उसे गले देती, रात में दो जने भयम भया जी। ओके मैम, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी। मैं बात करने आप अगर मैं डेवलपमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एडुकेशन के बारे में, अभी मैं टॉपिक्स में बात करा तो ऐसा हजारों टॉपिक्स हैं वो सवेरे हो जाते हैं, मगर इतना बात करिया। आप एक लेडी है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इतना मैं मैसेज देना था मैम। नहीं, आप अपने प्लेटफॉर्म के जरिए अवाम से यही मैसेज दीजिए अवाम को मेरी तरफ से। मजहब के नाम पे किसी भी MLA को मत चुनिए, उसकी परफॉर्मेंस पे, उसके काम पे चुनिए उसको, बेशक कि आपका आगे जाके क्या डेवलपमेंट होगा, आपके बच्चों का आगे जाके क्या फ्यूचर होगा, क्या भविष्य होगा, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को नजर रखते हुए आप कैंडिडेट को चुनिए, आप कैंडिडेट को वोट डालिए। मैम आपके दौर में आप ये बात बोले, मुझे एक क्वेश्चन याद आया, आप जो भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं उसका बैकग्राउंड चेक करना है, वो पहले क्या करके है, कौन सी इससे आया है। और एक बात तो सेक्शन 49 एक बार पढ़ लेने से वोट की वैल्यू की कीमत पता चल जाएगी, कीमत पता चलती है कि आपका वोट जो है वो कितना अहम है, कितना इम्पोर्टेंट है। ये कोर्ट हुकूमत पलटा सकती है जी, सही है। मिलके बहुत खुशी, बात करके बहुत खुशी है। शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज़।